नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्यारे से चैनल टेक बाय यस में। दोस्तों आज हम बात करेंगे राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड रिजल्ट कब तक आएगा, फिजिकल के बाद क्या कट ऑफ रहेगी, इन्हीं सब पे बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों, राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड से जितनी भी जानकारी आएगी सबसे पहले आपको देखने और सुनने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं छोटा सा कि रिजल्ट आखिर कब तक आएगा। तो दोस्तों अभी आप सबको पता ही होगा कि कल यानी 8 जून तक जो है वनपाल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चला। अब वनपाल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अब उन लोगों का जो है फाइनल रिजल्ट पहले उन लोगों का आएगा, उसके बाद दोस्तों जो है फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट आएगा। यानी यूं कहे तो दोस्तों, आप सबके रिजल्ट्स जो है फॉरेस्ट गार्ड के जुलाई के फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएंगे। ऐसे में आप सबका सवाल बन रहा है कि क्या कट ऑफ रहेगा फिजिकल के बाद, फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी। तो दोस्तों हम वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं कट ऑफ पे, कि आपका कट ऑफ जो रहेगा इसी के आसपास रहेगा फिजिकल के बाद। एक्सपेक्टेड है, रियल तो कट ऑफ बता नहीं सकते दोस्तों, लेकिन अनुमानित कट ऑफ आपका इसी के आसपास जाएगा। तो आइए दिखा देते हैं कितना जाएगा। तो जनरल की बात करें दोस्तों, जनरल में जो कट ऑफ जाएगी वो आपका 76+2 -2 तक जा सकती है। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए, ईडब्ल्यूएस की तो ईडब्ल्यूएस में आपके जो है 74+2 -2 तक जा सकती है दोस्तों। ओबीसी की बात की जाए तो ओबीसी का भी लगभग 74+2 -2 जा सकता है। और बात करते हैं एमबीसी वालों की क्या कट ऑफ रहेगी दोस्तों, तो एमबीसी का जो कट ऑफ रहेगा एमबीसी का वो भी लगभग 72+2 -2 रहेगा। एससी वालों की बात कर ली जाए तो वो भी 72+2 -2, इसी के पास आपका जो है फिजिकल के बाद कट ऑफ रहेगा। दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ना कि रियल कट ऑफ है, बट जहाँ तक संभावनाएं जा रही हैं इसी के आसपास रहेगा, इससे ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो मेरा यहीं तक था, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जैसे ही कोई खबर आएगी।